स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम षटकर्म समझ रहे थे पिछले वीडियो में, हम आपको नाम नोट कराया था, थोड़ा सा समझाया था। अब इसमें हम विस्तार से समझाने वाले हैं, उस विधियों को बताने वाले हैं किस प्रकार से करना है और उनके लाभ क्या है, यानी उनके सिद्धि फल क्या है। तो चलिए समझे, और मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दूं विद्यार्थियों कि जो षटकर्म है, षटकर्म धौति वस्त्र नेति नवली त्राटक कपाल भाती। तो जो धौति थी, धौति भी चार प्रकार थी, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो जो अंतर धोती थी, अंतर धोती में था वातसार अंतर धोती, वारिसार अंतर धोती, वैद्यसार अंतर धोती, बहिष्कृत अंतर धोती यानी अग्निसार अंतर धोती, चाहे इसको आप वैद्यसार कहें या अग्निसार, दोनों कह सकते हैं। तो चलिए अब अंतर धोती के अंतर्गत जो चार विभेद हैं बताए गए हैं उनको मैं आपको आज बताने वाली हूँ, यानी चार भेद जो बताए गए हैं, और ध्यान से समझिएगा और साथ में नोट भी करते चाहिए। चलिए सबसे पहले वातसार को आप समझें। वातसार की विधि किस प्रकार से करनी है? कौवे की चोंच की तरह मुख करके, जो कौवे का चोंच होता है उसी प्रकार से मुख करके उससे धीरे धीरे वायु को अंदर लें, यानी जो वायु हम खींचते हैं बाहर से, सांस लेते हैं, उसको अंदर लें, फिर दोबारा यानी पुनः पेट को चलाएं, यानी पेट में भरेंगे, उसके बाद उस पेट को घुमाना है थोड़ा सा, पीछे की मार्ग से अर्थात गुदा मार्ग से धीरे धीरे बाहर निकालना है। क्या करना है? कौवे की चोंच की तरह मुख करके उससे धीरे धीरे वायु को अंदर पीना है, यानी कि जैसे कि सामान्यतः हम जो है सांस को नाक से भरते हैं ना, तो नाक से नहीं भरना है, मुंह को, ओठों को चोंच की तरह निकाल कर उस फिर पानी उसको सांस को पानी नहीं सारी सांस को अंदर खींचना है। लेकिन यहाँ वायु बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जो वर्डों का यूज किया है जिन वर्डों का उसी को आपको ध्यान रखना है। बस मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ, दूसरे वर्ड को यूज कर लेती हूँ विद्यार्थियों। तो वायु को अंदर लें और पुनः पेट को चलाएं, पेट को चलाएं यानी वायु जब पेट में भर जाएगी तो उसको पेट को घुमाएं थोड़ा, पीछे की मार्ग से अर्थात गुदा मार्ग से धीरे से बाहर निकालें, यानी श्वास को मुख से पिएंगे और निकालेंगे कहाँ से? गुदा मार्ग से। ये 15 नंबर के सूत्र में बताया है गणेश ऋषि ने, चंड कपाली राजा को बता रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं विद्यार्थियों। और फिर इसके जब इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, करना सीख जाएंगे, अच्छे समझ जाएंगे, तो लाभ क्या होगा? शरीर को मल रहित करने वाला वातसार क्रिया शरीर को मल रहित कर देता है, यह वातसार क्रिया अत्यंत गुप्त रखने योग्य है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगी किसको गुप्त रखना है, तो वातसार क्रिया को गुप्त रखना है, ये उन्होंने बताया है। और यह संपूर्ण रोगों को नष्ट करता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट लाभ क्या? संपूर्ण रोगों को नष्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना। वातसार क्रिया करना वातसार क्रिया जो करना सीख जाता है वह, यानी साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वह संपूर्ण रोगों से नष्ट हो, उसका संपूर्ण रोगों से दूरी हो जाती है, यानी सब किसी भी प्रकार का रोग उससे नहीं कष्ट नहीं दे सकता है, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और जठराग्नि तीर्भ होती है। तो मैं सबसे पहले यह मल रहित रखता है, फिर अत्यंत इसको गुप्त रखा जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, संपूर्ण रोगों को नष्ट करता है। चौथा पॉइंट, जठराग्नि तीर्भ करता है, यानी पेट के आग को तीव्र करता है ताकि खाना हमारा अच्छे से पच सके। ये 16 नंबर में बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वारिसार को समझते हैं, वारिसार अंतर्धौती को समझते हैं, इसको किस प्रकार से करना है विद्यार्थियों। वारिसार विद्यार्थियों, इसकी विधि समझे कि मुख के द्वारा धीरे धीरे जल को पिए, इसमें वायु को पीना था वातसार में, यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये बहुत कंफ्यूज करता है। वारिसार में धीरे धीरे जल को पिए, मुख से जल पिए और कंठ पर्यंत भर लें, मतलब इतना पिए कि आपको महसूस होने लगे कि हमारे गले तक पानी आ गया है, और पेट को चलाकर पेट को थोड़ा सा घुमाएं, पानी यानी पानी अंदर चलाएं और नीचे से निकाल दें, यानी गुदा मार्ग से इसको भी निकालना है वायु की तरह, या 17 नंबर में बताया है गृहणसी ने। यानी वातसार में क्या करना है अंतर्धोत में? मुख के द्वारा धीरे धीरे जल को पिए और गले तक कंठ पर्यंत तक, फिर पेट को चलाकर पानी को चलाएं, यानी पानी उसमें जब पेट को घुमाएंगे तो पानी उसमें घूमेगा और नीचे से निकाल दें गुदा मार्ग से। अस फिर लाभ क्या होगा? तो लाभ चलिए नोट करें विद्यार्थियों आप।
वारिसार का अभ्यास शरीर को, पहला पॉइंट शरीर को निर्मल, दूसरा पॉइंट दिव्य बना देता है, निर्मल और दिव्य बना देता है यह। अतः इसका अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट क्या बताया कि इसका अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, साथ ही गुप्त रखना है, इसको भी गुप्त रखना है, यानी कि वाचार को भी गुप्त रखना, वारिसार को गुप्त रखना है, यह भी नोट करें। 18 नंबर में उन्होंने बताया है। तीसरे नंबर का अग्निसार अंतर्धोती, अग्निसार अंतर्धोती विद्यार्थियों, नाभि की ग्रंथि को मेरुदंड के साथ 100 बार लगाएं। कितनी बार बताया है? 100 बार लगाएं। लेकिन विद्यार्थियों ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप करना सीखेंगे तो जरूरी नहीं 100 बार लगा लें, एक बार से स्टार्टिंग करें, दो बार से तीन बार, धीरे धीरे प्रयास को बढ़ाना, लेकिन ये लास्ट का है, 100 बार लगाना है आपको। नाभि की ग्रंथ यानी जो पेट में नाभि ग्रंथ होती है उसको मेरुदंड से चिपकाना है, यानी पेट को कस के पीछे की तरफ से पीछे की तरफ चिपकाना होता है। और कितनी संख्या में बताया है इन्होंने ग्रंथ से? 100 बार विद्यार्थी है। तो इसे अग्निसार धोती कहते हैं। यही मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि नाभ की अग्निसार क्रिया किस, यानी अग्निसार अंतर्धोत किस प्रकार से करनी है कि नाभ ग्रंथि की, नाभ की ग्रंथ को मेरुदंड के साथ 100 बार लगाएं। ठीक, इसे अग्निसार धोती कहते हैं। जब 100 बार लगाएंगे, पेट को कस के चिपकाएंगे, पीठ की तरफ चिपकाएंगे, तो अग्निसार धोती क्रिया इस प्रकार से कही जाती है, यानी ये होती है। और इसके लगातार अभ्यास से योगियों की सिद्धि मिलती है। जब लगातार यानी निरंतरता इसमें बनी रहती है तब योगियों को सिद्धि मिलती है, जो करता है इसमें उस तब सिद्धि प्राप्त होती है। 90 नंबर सूत्र में बताया है। और इसके लाभ क्या, फल क्या है, सिद्धि फल क्या है, ये भी नोट करें साथ में। यह अग्निसार धोती उदर रोगों को, क्योंकि पेट से रिलेटेड होती है ना, यहाँ नाभि ग्रंथ बताया नहीं है करने की विधि, मेरुदंड में चिपकाना, तो उदर रोगों, मेन पहला पॉइंट उदर रोगों को नष्ट करके जठराग्नि को प्रदीप करता है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है उदर रोगों को नष्ट करता है, दूसरा पॉइंट जठराग्नि को प्रदीप करता है यानी तेज करता है, और देवों को, तीसरा पॉइंट देवों को दुर्लभ है, यानी तीसरा पॉइंट यह अग्निसार क्रिया देवों को दुर्लभ है, देव नहीं कर सकते हैं, इसे गुप्त रखना चाहिए, इसे भी विद्यार्थियों गुप्त रखना चाहिए, यानी वातसार वारसार की तरह अग्निसार को भी गुप्त ही रखना है विद्यार्थियों। और आगे उन्होंने बताया कि चाहे जिसको ना सिखाएं, यानी अगर कोई कहे कि हमें सिखा दीजिए अग्निसार क्रिया, तो सबको नहीं सिखाना चाहिए, जो सक्षम हो उसी को बताना चाहिए, जो जिसके अंदर समझ हो, केवल इस धोती के अभ्यास से ही शरीर दिव्य हो जाता है। ये पांचवा पॉइंट क्या हुआ कि इसे केवल, ये कितनी इम्पॉर्टेंट क्रिया है, केवल बताया उन्होंने कि केवल इस धोती के अभ्यास से ही, यानी अग्निसार धोती के अभ्यास से ही शरीर दिव्य हो जाता है, इनमें कोई संदेह नहीं, यानी डाउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा संभव है, यानी हो जाता है। उन्होंने पूरा जोर दिया है, पूरा फोकस किया है, बताया है 21 नंबर के सूत्र में विद्यार्थियों। अब चौथे नंबर पर बहिष्कृत धोती विधि, यानी वातसार वारसार अग्निसार आपने समझ लिया, अब बहिष्कृत धोती विधि समझें विद्यार्थियों। कौवे की चोंच की तरह ओंठों को करके, जैसा कि वातसार में था, ठीक, कौवे की चोंच की तरह ओंठों को करके मुंह से श्वास लेकर पेट में खूब भरें, यानी अपने क्षमता के अनुसार श्वास को भरें। आधे आम ये वर्ड नोट करें, क्योंकि ये आएगा जरूर, पक्का आएगा। आधे आम यानी डेढ़ घंटा, आधे आम को क्या कहते हैं, डेढ़ घंटा वायु को अंदर ही रोकें, यानी कौवे की चोंच की तरह ओंठों को पहले बना लें, उसके बाद मुंह से सांस को भरें और पेट में भर लें जितना भर सकें, जितनी आपकी क्षमता हो, और डेढ़ घंटा तक वायु को, लेकिन उन्होंने नहीं कहा विद्यार्थियों कि डेढ़ की जितनी आपकी क्षमता हो, यानी कि उन्होंने केवल इतना बताया है, क्योंकि सूत्र उन्होंने सूत्र में बताया और सूत्र का ये सब अर्थ है, उन्होंने तो यही केवल बताया कि कौवे की चोंच की तरह ओंठों को करके मुंह से श्वास लेकर पेट को खूब भरें, आधे आम यानी डेढ़ घंटा वायु को अंदर ही रोकें, गुदा से निकालें, यह धोती अत्यंत गोपनीय, कभी प्रचारित ना करें। इतना उन्होंने बताया, लेकिन मैं विद्यार्थियों आपको समझा रही हूँ, समझाने के कारण कुछ वर्ड अब मैं यूज करती हूँ, फिर भी मैं बताती हूँ कि जो है कितना ग्रंथ में है, क्योंकि ग्रंथ से ही क्वेश्चन बनते हैं।
यानी कौवे की चोंच की तरह ओंठों को करके जब सीखेंगे, आप सीखना शुरू करेंगे तो श्वास, मुंह से श्वास भरेंगे तो पेट में खूब भरे, यहाँ पर लिखा कि पेट को खूब भरें, लेकिन जितनी क्षमता हो उतनी भरें और जितना टाइम आप रोक सके उतने ही टाइम रोकें, ये आपको ध्यान रखना है। यानी स्टार्टिंग में इतनी देर तक नहीं कर सकते, सबकी क्षमता बराबर नहीं रहती, लेकिन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताया कि गया कि 1.5 घंटा याद आपको यही करना है, नोट आपको यही करना है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में मैं आपको बताती हूँ कि धीरे धीरे प्रयास को बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, बहिष्कृत धोती विधि, कौवे की चोंच की तरह ओंठों को करके मुंह से सांस लेकर पेट में खूब भरें, आधे आम यानी 1.5 घंटा वायु को अंदर ही रोकें, फिर गुदा मार्ग से इसको निकालना है। यह ध्यान रखना, गुदा मार्ग से ही निकालना है। और यह धोती अत्यंत गोपनीय है, यह इन्होंने बता दिया है इसमें कि यह अत्यंत गोपनीय है, बाकी तो उसमें बताया वाचार वर्षार अनुसार को बताया गोपनीय है, और बताया कि कभी प्रचारित न करें। यानी कि विद्यार्थियों, हठ योगियों ने और ग्रंथ में ये बताया गया है कि ये जो विद्याएं होती हैं बहुत गूढ़ होती हैं, सभी को सामने नहीं चर्चा में लाना चाहिए, सभी को नहीं बताना चाहिए, जो सक्षम हो केवल उसी को बताना चाहिए। और विद्यार्थियों, थोड़ा सा और इसमें समझ लें, बहिष्कृत में ये नोट कर लें कि नाड़ी प्रक्षालन, ठीक। अब चलिए आगे नोट करें, अभी इसका अर्थ मैं अभी बता रही हूँ। नाभि तक गहरे जल में इसको कैसे करना है ये ध्यान रखना है। नाभि तक गहरे जल में बैठकर सख्त नाड़ी अर्थात मलाशय को बाहर निकालें, ठीक। नाभि तक गहरे जल में बैठकर सख्त नाड़ी, सख्त नाड़ी किसको, मलाशय, इसको मलाशय कहें या सख्त नाड़ी कहें, को बाहर आपको निकालना है, ठीक। और जब तक उसका मल छूट न जाए तब तक दोनों हाथों से साफ करें, धो करके फिर पेट में स्थापित कर लें। बाहर निकालेंगे तो उसको रखना भी तो होगा उसी तरह, तो धो करके फिर पेट में स्थापित करें। और देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है, यानी बताया गया है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह क्रिया। और यह शक्ति नाड़ी, जो यह शक्ति नाड़ी है, स्वच्छ करने की विधि गोपनीय है। यह जो शक्ति नाड़ी है, यानी शक्ति नाड़ी अर्थात मलाशय की जो क्रिया है, स्वच्छ करने की विधि गोपनीय है, यह भी गोपनीय है। केवल इसे स्वच्छ करने से ही साधक दिव्य शरीर वाला अवश्य हो जाता है, केवल इसे स्वच्छ करने से ही साधक दिव्य शरीर वाला अवश्य हो जाता है, यानी जरूर हो जाता है। उन्होंने बताया यह क्रिया के बताए, और ध्यान से आप समझें, पूरा समझें तो अभी जो है फट से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, नाभ तक गहरे जल में बैठकर सख्त नाड़ी अर्थात मलाशय को बाहर निकालें, जब तक उसका मल ना छूट जाए तब तक दोनों हाथों से साफ करें, धो करके फिर पेट में स्थापित करें। और विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह सख्त नाड़ी, नाम ध्यान रखें क्योंकि इसी तरह के वर्ड कुछ रहते हैं क्वेश्चन में। सख्त नाड़ी स्वच्छ करने की विधि गोपनीय है, जो ये विधि अपनाएंगे यह गोपनीय है। केवल इसे स्वच्छ करने से ही साधक, केवल इसको साफ करने से ही साधक दिव्य शरीर वाला हो जाता है और आवासीय हो जाता है, या दो श्लोकों के माध्यम से इन्होंने बताया है, 23-24 के माध्यम से। और विद्यार्थियों, आगे समझें कि साधक को जब तक आधे याम यानी 1.5 घंटा, आधे याम यहाँ फिर वर्ड आया, आधे याम यानी 1.5 घंटा तक रोकने की शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक वह इस महती यानी बहिष्कृत क्रिया धोती करने में समर्थ नहीं होता है, अर्थात सिद्धि नहीं होती है। जब तक यह कर नहीं पाते, ये क्रिया कर नहीं लेते हैं, तब तक साधक यानी कि आधे याम जब यानी 1.5 घंटे तक जब तक रोक नहीं लेते हैं तब तक रोकने की शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक वह इस महती बहिष्कृत धोती करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, या 25 नंबर के सूत्र में उन्होंने बताया है।
तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। इसमें हमने अंतर्ध्वनि क्रिया के विषय में विस्तार से समझा, उसके करने की विधि और लाभ समझा। और यह भी आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों कि अपने आप अपने घर में इस क्रिया को नहीं अपनाएंगे, षटकर्मों के किसी भी विधि को नहीं अपनाएंगे। जो षटकर्म छाकर्म बताए गए हैं, मैं पूरा जोर दे के बोल रही हूँ, यानी फोकस करके बता रही हूँ कि इसको अपने आप से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लाभ के अलावा नुकसान भी हो सकता है। किसी योग शिक्षक से जो परफेक्ट हो, ये नहीं कि कथा कथित योग शिक्षक नहीं, जो परफेक्ट हो, जो ये क्रियाएं करता हो, उसी से आपको सीखना है, उसके देखरेख में आपको सीखना है, अपने आप घर में नहीं सीखना है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप खुद पढ़िए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो आपको। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।